एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विजन टेक हब में। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पेंट के नेक्स्ट चैप्टर्स को। आप सबसे पहले पेंट को ओपन करने के लिए कई सारे ऑप्शन बताए गए हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए। अदरवाइज आपको अगर ओपन करना है तो आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पर जाकर, इसके बाद एक्सेसो सीरीज में जाकर, यहाँ से आप पेंट बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरीके का विंडो ओपन हो जाता है, या आपके सामने यहाँ डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर भी दिख जाता है पेंट। आप डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। किस प्रकार से हम डेस्कटॉप पर लाते हैं पेंट को, वो भी पिछले वीडियोस में बताया गया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पेंट ऑप्शन खुल जाता है। या मैं आप लोगों को किस तरीके से हम पेंट में कोई भी इमेज को डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर किस तरीके से हम लगा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, और किस तरह से आप फाइल को हटाएंगे, फाइल को सेव करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अगर हम ये हमारा इमेज है, इस पेज पर हमें अगर कोई भी इमेज लेना है, तो इमेज लेने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा पेस्ट ऑप्शन पर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है, ये जो छोटा सा पॉइंट बना हुआ है यहाँ आपको जाना है। इसके बाद पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पर जाना है। पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुल जाता है। आपने अपने इमेज को किस लोकेशन पर सेव करके रखा हुआ है उसके लिए आपको उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले लोकल डिस्क डी में हम चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा रखा हुआ है इमेज, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं अपने बैकग्राउंड की तरफ। हमारा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा नेचुरल इमेज रखा हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें से हमें जिस इमेज को भी अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर लगाना है उसको हम यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के मैं एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे मैंने इस इमेज पर क्लिक किया और ओपन कर लिया। इस तरीके से हमारे सामने ये डेस्कटॉप के हमारे पेज में ओपन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर अगर नाम डालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको टूल्स ऑप्शन में मिल जाता है ए ऑप्शन, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप आकर अपने इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाता है, चेक बॉक्स बन जाता है। यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर विजन टेक हब देना चाहता हूँ, यहाँ हमने डाल दिया विजन टेक हब। यहाँ पर आप चाहें तो इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप अलग अलग कलर भी इस पर आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। आप जो भी कलर इस पर चेंज करना चाहें आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने का तरीका है कि माउस का लेफ्ट बटन दबाकर आप चाहें तो जिस भी टेक्स्ट को आप बदलना चाहते हैं उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप कलर जाकर ऐसे चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम चाहें तो यहाँ से जिस भी कलर को इस पर रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। जब ये इस तरीके से हम बना लेंगे तो इसके लिए हमें अब सेव करना हो अगर फाइल को, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पेंट बटन पर, या आप इसको फाइल मेनू भी बोल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर तीन नंबर पर ऑप्शन मिलेगा सेव ऑप्शन। इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है, या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो खुल जाता है। आप अपनी फाइल को जिस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं माई डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ, माई डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद फाइल नेम के आगे हम नाम डाल देंगे, जैसे मैं इसको विजन टेक के नाम से रखना चाहता हूँ तो यहाँ हमने डाल दिया विजन टेक। और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमारा फाइल सेव हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसको डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हैं तो हम चले जाते हैं, इसके लिए क्लिक करेंगे वापस से पेंट बटन पर, और यहाँ पर हमारे सामने सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन दिखाई देता है। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन में आप देखेंगे आप फील ऑप्शन मिलेगा आपको। फील ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर लग जाता है। लेकिन आपको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर लगाने से पहले फाइल को सेव कर लेना है। अगर आपने सेव नहीं किया है तो यह ऑप्शन आपसे पूछता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं डेस्कटॉप का बैकग्राउंड देखते हैं क्या बदला है कि नहीं बदला। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मिनिमाइज ऑप्शन पर चले जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और ये हमारा पेंट नीचे की तरफ हाइड हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस फाइल को आपको हटाना है तो आप पेंट ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपकी फाइल हट जाती है। अगर आपको वापस से ओपन करके देखना है उसके लिए आपको वापस पेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद ओपन ऑप्शन में आप जाकर इसको ओपन कर सकते हैं, या आपको यहाँ रिसेंट पिक्चर में भी यह मिल जाता है। यहाँ आप क्लिक करेंगे विजन टेक पर तो आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। अगर इसको हटाना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू ऑप्शन पर। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपकी फाइल हट जाती है। तो इस तरीके से आप चाहें तो पेंट में किसी भी इमेज को के ऊपर आप नाम लिखकर अपने बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। तो
इस तरीके से आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।